विधायक तहसिलदार मुहांमुही होती विधायक तहसिलदार कहीं मुहांमुही होती नीलगिरी ये घटना कहीं बर्तमान जहाँ खबर आसिक पहुँचुची जे तहसिलदार को ताला पकईकी रखिंटार स्थानीय लोक मैंने श्रृंखला के मानि ना ये ना विधायक मानी ना तहसिलदार मानी 5T रो नीति नियम विरोध उच्चारण आचरण में विभिन्न त्रुटि देखते श्रृंखलित ज्ञान एम भाया लगुनी सर्वसाधारण स्थान में ये दुईज जाक मुहांमुही होती देखूँ आप से दृश्य में देखु सदा सब आप देखिपरेंगे टी स्क्रीन जरिया आज सका घटना एमती घटी आज सका नीलगिरी नीलगिरी जो तहसिलदार कचेरी हता भितर मोहरीर मानक अस्थायी घर गुड़ भांगी एवं समय रे से सुश्रीता टुडू जे तहसिलदार सी थिले एवं अतिरिक्त तहसिलदार राकेश पंडा घटनास्थल उपस्थित थिले से समय रे नीलगिरी विधायक सुकांत कुमार नायक घटनास्थल पहुंची थिले उच्छेद को विरोध करथिले ए घटना को नै कि विधायक सुकांत कुमार नायक एवं तहसिलदार सुश्रीता टुडू को भितरे प्रथमे बच्चसा हेथिला प्रथमे मोहरी एवं आईनजीवी मानक थैथान करा जाउ एवं तापर से घर गुड़ी को भंगा जीव बोली से मंत्री जिलापाल सहित कथा विधायक कही किंतु तहसिलदार कौन सी मत कथा शुणा को राजी नथिले कहा जाय पारेबो एवं विधायक जो प्रश्न करते कौन ए पदक्षेप क्या कि न जना कि कहीं एथिरे उत्क्षिप्त हो कि तहसिलदार विधायक को दुर्व्यवहार करथिबा कहा जाउ छै एवं आसुतु देखिबा कौन सी समय बचसा होता घटनास्थल केमिति थिला चित्र आम आपको देखा चाहूँ चेकिंग कर चंदी यू डू नॉट नो हाउ टू बिहेव विद योर पेरेंट्स ओ रियली यस रियली हाउ टू बिहेव विद अ लेडी यस ओ रियली यस यू डू नॉट नो हाउ टू बिहेव सर सर यू डू नॉट नो हाउ टू बिहेव आई नो आई एम बेटर पर्सन देन यू यस ओ रियली अरे भागी लोग कौन भाई भागी कौन भाई भागी तू पैसा को दोनों उठे हां भागी तू हां रियली डू नो नहीं मारो घर को कौन चल के नहीं हैं ओ रियली चीज पर पहले मिला के जो और फुल काम करा उसके और फुल फंक्शन देता हूं हां ए लोको को एडी कौन करछन आपण आके सुविधा करी भांगिवा कथा ए पावर मिस यूज करछन आगे गुरुवार को गुरुवार मिस यूज किया पावर तमे कौन कहिलो ऑनलाइन पछको नाउनी तमे कौन कहिलो ऑनलाइन ए तमे कौन कहतो नाउनी इज इट अ बिहेवियर हां यस इज इट अ बिहेवियर नाउनी यस ऑनलाइन गो बैक आई एम नॉट गोइंग बैक ए मैं नॉट गो बैक आई एम नॉट गोइंग बैक यू जस्ट बिहेव योरसेल्फ यू डू नॉट बिहेव हाउ डू हाउ डू तमे नाउनी नाउनी बेटो सरकारी कर्मचारी सी शुड नो हाउ टू बिहेव विद द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आई वाज ऑल्सो गवर्नमेंट सर्वेंट समटाइम्स पास्ट सी डजंट नो हाउ टू बिहेव बीइंग अ लेडी ऑफिसर एंड सी इज टेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस दिस इज नॉट वर्थी फॉर द डेमोक्रेसी सेतिपय आमे चिंता करलु ए घटना समाधान हो आमे महात्मा गांधी करे सप्ताह पालन करछु जन्म जयंती 150 वर्ष जन्म जयंती आमे अहिंसा मार्ग को अनुकरण करकी आज मनसन बसली आगु स्थगित हेतला मंत्री महोदय कहछन्ती 7 तारिख बसियु डाकणा जीबी राखी तम आलोचना करबी गोट सबसाइड करे बोलले आज खबर नै हटात आसी मांग दिछन्ती हो आमे काम करे पय हण होछु समस्त व्यवहार ठीक करे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हंतु कि पब्लिक अफसर हो तबे आगो कोन रहइबो कार्यस्थल रे अल्ट्रा उप सवाल गुटे चेक करछथि अपन देखु दिले सीधा सरको चित्र जुगले हमरा टीवी स्क्रीन जरिया रे एवं काहार व्यवहार ठीक थिला कार व्यवहार ठीक नथिला ई आपन माने बला बारे जानि पारथिबे किंतु जतबेले जणे लोक प्रतिनिधि एवं जणे स्थानीय अधिकारी को कथा उठु छि सेतबेले निहत भाबे प्रश्नबाची दुई जण काड को आसिबो ब्रज पानी सीधा सरको हम सहित जोडी होचोन्ते एवं ब्रज बड़ कथा कहा जाय परबो वर्तमान स्थिति किभली भाबे अछि उत्क्षिप्त दुई जण जाक थिले उत्क्षिप्त स्थानीय लोक मान भी होइचोन्ते जो मानकर चालिया भंगा जाय छि किछ आईनजीवी मध्ये होइचोन्ते मोहरीर मानकर चालिया भंगा जाय छि किंतु प्रथमे जणिया को चाहिबी वर्तमान स्थिति सेठी केमती अछि उपजिलापाल पहुँची थे बुझा सुझा करिला पर स्थिति शांत पड़ी ना जथा जहाँ थिला पूर्वरु से यथारीति चलछि वर्तमान भी घटना
तहसील ऑफिस परिसर को जांच एवं रिव्यू कर रिव्यू भितर लोक ठीक भाव पाते सेवा ताले से भूत धारणा उठे पारे से पक्षा रिव्यू न होती तहसीलदार आचरण उच्चारण विषय तदंत न कर उठे ना बोली स्पष्ट भाव सूचना देखते हैं देखिपे विधायक गांधी प्रतिमूर्ति तला जी अच्छा पाखे भी समर्थन जड़े वकिल संदीप अच्छा स्थानीय सर्वदलीय नेता पाखापाखि सब दल नेता मान भी अच्छा व्यवसायी संघ भी आस पड़ती वकिल संघ भी अच्छा वरिष्ठ वकिल मैंने अच्छा स्पष्ट चित्र देखिपे से जेहतु गांधी गांधी सप्ताह चलती गांधी सप्ताह भितर से लोक न्याय प्रदान करेंगे जेहेतु आचरण उच्चारण भितर जो दु जन कथा करा कहार दोष अच्छी कह दोष ना से तो तदंत कर जना पड़े प्रथम से कहतु तहसीलदार आज जो कामटा कले से कामटा ठीक अच्छी कि से घटनार तदंत करूँ तदंतर यदि तहसीलदार दोषी हे ताल तुरंत मिलेगी छाड़ू यदि दोषी ना हे से सांगे सांगे उठी जाए आम भी मतामत भी ये नहीं पार अच्छा जो बालेश्वर जिलापाल आसते जिलापाल नहीं उपजिलापाल पठे जिलापाल तो निर्देश आसते कौन कहे कौन कह जिलापा निश्चित भावे ब्रज कौन कौट विधायक कौन कहते ठीक से बुझा पड़ूनी आम जब दरकार पुण् आपको आसपारूँ आम सहित अधिक आलोचना जोड़ी होती स्टूडियो मो सहित वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त शीतल तरंग बेउरी और श्रीयुक्त बेउरी आपको स्वागत करुच्चे घटना संपर्क में निश्चित भाव आज जा सारे जो भाव में प्रकृति में ये दोष कह बड़ प्रश्न नुहे ये प्रश्न होते सरकार 5G र कार्यक्रम संपर्क कहते विभिन्न प्रकार योजना सेवा को लोक पूरा तल स्तर लोक पहुँचवा कथा कहुच्छे सेमती गोटे समय उभय लोक प्रतिनिधि एवं सरकारी अधिकारी से मूल व्यवहार अंत आशा कर ना देखो डेफिनेटली यह भाया व्यवहार आशा करा जीबा माने व्यवहार हवा उचित नुहे कि मुझे जो फ्रेम रे जी देखिल से मोर कहीं गोटे धारणा है जे तहसीलदार विशेष किसी दोष ना अच्छा आप देखु से जो प्रथम जो स्ट्रक्चर होपजिलापाल जहाँ अफिस् भितर से लिगली ना इलिगली जदि इलिगली जड़े तहसीलदार जाठी भांगे क्षति कौन कले ये जो मझे आम स्टेट गोटे सब कहुची जो मैंने सब फोर्सिबली अकुपाय कर गवर्नमेंट लैंड कि इलिगली कंस्ट्रक्ट कर दुकान बजार आम को नोटिस दिगला अरे आपन को नोटिस कौन दिहब आप इलिगली स्ट्रक्चर माड़ी बसिक अच्छा आपन को जेबे ना से सरकार बाहर करदे कहीं जो माड़ी बसिक जमीटा अच्छा से आपंकर जमी नुहे सेटा हूँ एंटायर स्टेट रो जो जनसाधारण अच्छा जमी ताकू रखुं राज्य सरकार तार दायित्व नहीं तेणु सी से भांगे आपण को नोटिस कौन देवे तो तेणु ये जो जो कारबार चलता मुझे देख ली सेठी जो तू ता सी ठीक रईटली कहते गोटे लेडी को आप बिहेव करवा जानी ना तू ता कहे गोटा कि भाया व्यवहार ये ये प्रकृत देखुं कौटना कौटी जो लोकों स्वार्थ कथा कहुच मोहरी मानक आपटे बढ़िया मैंने पॉइंट आउट कले बढ़िया कि जे जेहेतु सरकारी जमी है जो तहसीलदार गोटे उच्छेद कराया जाऊँच नीति निम सहित जाइए आम यहाँ तो आशा करवा विधायक जो पॉइंट रोचे मुझिलापा सहित कथी मुझ जिलापा सहित कथी आम दाबी जनईलु किसी थैथान व्यवस्था करापर एम उच्छेद करोटना कौटी यहाँ कराएनि ताबोली जो लोक प्रतिनिधि ये भाव में व्यवहार करें कि बिल्कुल गणतांत्रिक उपाय नुह लोक प्रतिनिधि मानी गोटे धारणा होने जहाँ कहे से ठीक प्लेइंग टू द गैलरी ए जो मैंने अकुपाय कर भल कर उठा न जाओ आगे नोटिस दिया हो तापर जाए उठा हाँ थान हम अरे कि बाबू थान तमें तो अकुपाय
ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ଅକୁପାଇ କରିଛ ତୁମକୁ ଥାଇଥାନ କାହିଁ କରାଯିବ? ଏ ଯେଉଁ ଥାଇଥାନ ରିହାବିଲିଟେସନ ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ 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 ମାନେ ଗୋଟେ ରିଡିକୁଲସ୍। ଆରେ କ'ଣ ଥାଇଥାନ ତୁମେ କାହିଁକି ସରକାରୀ ଜମିରେ ତୁମେ କାହିଁ କରିବ ଏସବୁ କାମ? ତେଣୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରେରୋଗେଟିଭ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି ଅଛି ତ ମାନେ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଇପାରିବ, ସେ କିଛି କାମ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ବି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ୁଥିବ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧାରଣାରେ ବସିବେ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ସେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କାମ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଉ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦାବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲ ନା ଆଉ କିଛି ରାଜନୀତି ନା କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଡେଫିନେଟଲି ରାଜନୀତି, ଇଏ ତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ମୁଁ ତ କହୁଛି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ, କାରଣ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଟ ଦରକାର, ନହେଲେ ରାଗିଯିବେ ଲୋକମାନେ, ତେଣୁ ରାଗିଗଲେ ଭୋଟ କମିଯିବ, ତେଣୁ ଦିଅ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ୍ କରିଦେବେ, ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାମ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବେ, ଯଦି କାମ କଲେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଖବର କିଛି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଉରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଅନେକ ଥିବ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଇଏ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଥାଏ, ଯଦି ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକ ଯେଉଁ ସେବା ବା ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବା କଥା ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପଟେ କହୁଛେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି 5G ଉପରେ, ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ୱେରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିପାରିବା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଇ କଥା ନ ବୁଝିବେ ବା ସହଯୋଗ ନ କରିବେ, ଯଦି କିଛି ଭଲ କାମ ହେଉଛି ତାହେଲେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ରହିଯିବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାଇ ରହିଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର 5G କରିଦେଲେ ହେବନି, ସମସ୍ତଙ୍କ କୋପରେସନ୍ ନହେଲେ ସେ କିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏସବୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥିତି ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗୁଡ଼ୁଛି, ଯାଇକି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି। ଆପଣ ଯଦି ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ଯାଇକି ସରକାରୀ ଜମିରେ ମାଡ଼ି ବସିକି ଆପଣଙ୍କର କମର୍ସିଆଲ କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସେଠି କାନ୍ଦିଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ କାହିଁକି ଯାଇକି ବସିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି? ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ଦେଖିବା କଥା। ଆରେ ଭାଇ, ତୁମେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ମୁଁ ଆଗେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ଯାଇକି ସେଠି ଫୋର୍ସିବ୍ଲି ସରକାରୀ ଜମିରେ ଯାଇକି ମାଡ଼ି ବସିକି ସବୁ କାମ କରିବି? ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଠି କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବଂ ଆଗକୁ କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ବୁଝାସୁଝା କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଧାସଳଖ, ଏବଂ ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି 1000ରୁ ଅଧିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଧାରଣାରେ ଲୋକେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେସର କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଚାପ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଯେମିତି ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଗୋଟେ ବଡ଼ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇପାରେ ତହସିଲଦାର ସୁଶ୍ରିତା ଟୁଡୁଙ୍କ ଉପରେ, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବାନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କିଛି ତହସିଲଦାର ଇଲିଗାଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ତଦନ୍ତ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ଇଲିଗାଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମା ଫାସି ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରୁ ଯଦି ବେସ୍ କରିକି ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସିଏ ଗଲେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଇଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଅଫିସ ଭିତରେ, ସିଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି କଲେ? ନାଇଁ, ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ଆସୁଛି ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ଆସିକି ଅଟକି ଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ଇସ୍ୟୁ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ହେଇ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯଦି ଏଠି ଆସିବେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ପାଇବା କଥା, ଏ ଘଟଣାର ସମାଧାନ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍କି ଡେମୋକ୍ରାସି, ତାକୁ ମୁଁ ବନାନା ଡେମୋକ୍ରାସି କୁହେନି, ମୁଁ ତାକୁ ମଙ୍କି ଡେମୋକ୍ରାସି କୁହେ, ମାଙ୍କଡ଼ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ କିଛି ନାହିଁ, ପ୍ଲେଇଂ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଲେରୀ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ଭୋଟ ହେଉଛି ସବୁକିଛି, ତେଣୁ କେଉଁଟା ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସେ କଥା ନାହିଁ। ଆଗେ ଯାହା ଲୋକ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଗାଡ଼ିବାଲାର ଦୋଷ ହେଇଥାଉ ନ ହେଇଥାଉ, ଆଗେ ଆସିକି ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅ, ଗାଡ଼ିକୁ ମାଡ଼ ମାର। ଯଦି କିଏ ଅଫିସର ଯାଇକି ଇଲିଗାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ଇଏ କଲା ତାହେଲେ ଯାଅ। ତାପରେ ଯାଇକି ଆଜିକାଲି ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଟୁ ସେ ଦିସ୍, ଇଭିନ୍ କୋର୍ଟ ବି ହାଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ପ୍ଲେଇଂ ଟୁ ଦ ଗ୍ୟାଲେରୀ। ଏମିତି ହେଲେ ଚାଲେନି, ବନାନା ଡେମୋକ୍ରାସି କୁହନି, ମୁଁ କୁହେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଙ୍କି ଡେମୋକ୍ରାସି।
मांकड़ डेमोक्रेसी निहति बाबरे एवं ब्रज को पाखू टिके पुणथरे जिबा ब्रज पाणी मोर सहयोगी नीलगिरी रो प्रतिनिधि को पाखू पुणथरे जिबा टिके वर्तमान स्थिति सेटी कोन रहिची जिलापाल केतेबेले पहुंचबार अछि ब्रज प्रकृति जानिया को चाहिबू ये प्रसंग बढी बढी चालीची एपटे विधायक निजो जिद रे अटल सेपटे तहसीलदार कौन कहते प्रकृति में किसी मतामत भी किसी मिली कि प्रतिक्रिया एवं जिलापाल आसुच्च केत आसपे ए संपर्क में किसी तथ्य देखो जिलापाल उपजिलापाल को आम कही पार तहसीलदार ए ना तहसीलदार को पाला पकई रखा जाए घेरी रही मतामत भी नहीं पारे नहीं जो कौन घटना घटला जहां आम चित्र स्पष्ट अनुमान कर उभय पड़ते बचपा होता विधायक भी तक कही आज जो घटना भंगा जबारे कौन से पुलिस अधिकारी ना कहीं पुलिस अधिकारी अनुपस्थित नजर रही खबर धन्यवाद देवी ब्रज पाणी सहित जोड़ी नीलगिरी प्रतिनिधि।